यस, वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। और बहुत आज के बहुत लेक्चर स्वागत को है। चालू करना कैसे हैं पड़ेगा, आप लोग? कुछ उम्मीद कर रहा बेसिक हूं कि सेटिंग्स आप कर लें। बहुत अच्छे होंगे। और आज के लेक्चर को गुड चालू आफ्टरनून करना टू ऑल। पड़ेगा। चलिए साहब, ओके, सो यस, गुड आफ्टरनून टू ऑल। खाना वाना खा लिया होगा। और अब हम थोड़ा सा फटाफट क्विक रिवाइज कर लेते हैं जो अब तक के हम लोगों ने पढ़ा है। से यस, यस और नो, राइट, ओके। चलिए फटाफट आप सभी लोगों को बता दूं जो पहले दिन आए हैं, इसके पहले के प्लीज सारे पार्ट आप लोग देख करके आइएगा। पॉइंट वन, पॉइंट टू, जितने भी सवाल है सब एकदम एंड के अंदर में पूछना है। क्वेरी सेशन होता है, उसके अंदर में आपके सारे सवाल पूछेगा। उसके बीच में प्लीज कोई सवाल मत पूछिएगा, ये आपको पता है। यस मालिक, ओके सर। क्या क्या पढ़ा था? टैक्स रेट्स चालू थे। कहां थे हम? हमें सेक्शन नंबर 4 के ऊपर। सेक्शन नंबर 4 क्या कह रहा था? सेक्शन नंबर 4 कह रहा था इनकम टैक्स पेबल फॉर एनी असेसमेंट ईयर एट द रेट स्पेसिफाइड इन एनुअल फाइनेंस एक्ट, एट द रेट स्पेसिफाइड इन एनुअल फाइनेंस एक्ट, राइट, इन रिस्पेक्ट ऑफ टोटल इनकम ऑफ एनी पर्सन इन द प्रीवियस ईयर। यस सर, इन रिस्पेक्ट ऑफ टोटल इनकम ऑफ एनी पर्सन इन द प्रीवियस ईयर। इसके बेसिस पे हम लोगों ने सारी चीजें देखी थी। ठीक है सर, फिर हम लोगों ने क्या किया था साहब? इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था इसके बाद सर? हम लोगों ने पढ़ा था कि टैक्स रेट्स क्या है। दो टैक्स रेट्स थे, एक नॉर्मल था एक स्पेशल था। नॉर्मल टैक्स रेट्स कहां लिखे हुए? फाइनेंस एक्ट के अंदर में लिखे हुए, जबकि स्पेशल रेट ऑफ टैक्स इनकम टैक्स एक्ट के अंदर में लिखे हुए हैं। यस और नो? स्पेशल रेट ऑफ टैक्स कौन कौन से हो गए? अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 112A, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, कैजुअल इनकम, ये सब कहां लिखे हुए? इनकम टैक्स एक्ट के अंदर में लिखे हुए। यस सर, इसके बाद हम लोग आगे बढ़े थे। हम लोगों ने एक चार्ट बनाया था, चार्ट आपको पता ही होगा। ये चार्ट हम लोगों ने बनाया था, चार्ट के अंदर में पहला पार्ट लिखा हुआ था। चार्ट के ऊपर जाओ सभी लोग, फटाफट पलट करके चार्ट के ऊपर जाओ। यस, जैसे आप चार्ट के ऊपर जाओगे वैसे ही आपको देखने को मिलेगा इंडिविजुअल रेसिडेंट बिलो 60, नॉन रेसिडेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ एज, एचयूएफ, एओपी, बीवाई, एजेपी। दूसरे पार्ट के अंदर में लिखा था इंडिविजुअल रेसिडेंट 60 और अबाव अप टू 80। तीसरे पार्ट में लिखा था इंडिविजुअल रेसिडेंट 80 और अबाव। यस, पहले पार्ट का था अप टू 2,50,000 टैक्स रेट इज निल, 2,50,000 टू 5 लाख का 5%, शॉर्टकट वॉज 12,500, 5 लाख टू 10 लाख 20%, शॉर्टकट वॉज 1,12,500 एंड बियॉन्ड 10 लाख रुपीज वॉज 30%। फिर हमने नीचे कुछ नोट्स लिखने चालू किए थे और इन हर चीजों के ऊपर हम लोगों ने एग्जाम्पल्स भी लिए थे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज पढ़ी थी हम लोगों ने रिबेट। रिबेट कौन से सेक्शन में था? रिबेट था सेक्शन 87A के अंदर में। क्या तुम्हें याद है? रिबेट था सेक्शन 87A के अंदर में। रिबेट की तीन कंडीशन थी। पहला, असेसी शुड बी इंडिविजुअल, ही शुड बी रेसिडेंट, एंड टोटल इनकम नॉर्मल प्लस स्पेशल, नॉर्मल प्लस स्पेशल डज नॉट एक्सीड कितने रुपए बेटा? 5 लाख रुपीज। तो रिबेट मिलेगा कितना? लोअर ऑफ 12,500 और 100% ऑफ टैक्स। दूसरी चीज हम लोगों ने पढ़ी थी हेल्थ एंड एजुकेशन सेस विल बी एट द रेट ऑफ 4%। तीसरी चीज हम लोगों ने पढ़ी थी साहब राउंड ऑफ 288A, 288B, इनकम एंड टैक्स बोथ आर राउंडेड ऑफ इन मल्टीपल ऑफ ₹10। चौथी चीज हम लोगों ने पढ़ी थी स्पेशल रेट ऑफ टैक्स। स्पेशल रेट ऑफ टैक्स को रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। 111A शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15%, 112 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20%, 112A लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बियॉन्ड 1 लाख, 1 लाख के ऊपर 10%, देन कैजुअल इनकम 30%। यहां तक के हम लोगों ने पढ़ा था, बराबर है? नोट नंबर 5, सभी लोग पेज नंबर 12 के ऊपर आओ। इस कंसेप्ट को हमने पढ़ लिया है, सिर्फ बुक से रीडिंग कर रहे हैं। ये थी हमारी नोट नंबर 5 जो हमने रजिस्टर के अंदर भी लिखी है, यहां हम लोग उसे वापस देख रहे हैं। वर्ड देखिए क्या लिखा है, इफ असेसी इज अ रेसिडेंट एंड हैज अ स्पेशल इनकम, इफ असेसी इज रेसिडेंट एंड हैज स्पेशल इनकम, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, नॉट कैजुअल इनकम, एंड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट इज नॉट एग्जॉस्टेड, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट इज नॉट एग्जॉस्टेड, देन सच इनकम शैल बी फर्स्ट यूज टू कवर अ बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एंड बैलेंस इफ एनी, बैलेंस इफ एनी शैल बी चार्जेबल एट स्पेशल रेट।
इसके ऊपर हम लोगों ने एग्जाम्पल्स देख लिए, कल ही देख लिए, और कल बहुत अच्छे से एग्जाम्पल सॉल्व भी कर लिए। उम्मीद तो पूरी यही कर रहा हूं कि आप लोगों ने अब तक के जितने प्रॉब्लम मैंने पढ़ाए हैं वो सारे प्रॉब्लम्स को ईमानदारी से घर पे सॉल्व किया होगा, या जो पेनड्राइव गूगल ड्राइव स्टूडेंट है आपने इसके आगे का वीडियो देखने से पहले ईमानदारी से आप लोगों ने क्या किया होगा, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया होगा। आज हम जा रहे हैं एक लेवल अप करने के लिए, मतलब आज हम थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे। याद है आपको मैंने कहा था 6 नोट्स है जिसमें से 5 नोट्स आपने कर ली है और आप आगे भी बढ़ चुके हो, तो अब हम और आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। आज का लेक्चर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, राइट। हर लड़का हर लड़की जो भी इन अटेम्प्ट को दे रहे हैं, आज का लेक्चर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा। टैक्स कैलकुलेशन का आप ऐसा समझ लीजिए ये लास्ट पार्ट है टैक्स कैलकुलेशन के अंदर का। ये पार्ट आपने सीख लिया तो मोटे मोटी तौर पे जो एक जनरल टैक्स कैलकुलेशन है ये आपको पूरा आ गया, बराबर है, ये लास्ट पार्ट है। तो मतलब अगर आपको इसके साथ प्रॉब्लम सॉल्व करते जम गया तो मतलब फिर आपको टेंशन लेने के काम ही नहीं है, आपको टैक्स कैलकुलेशन का फर्स्ट पार्ट बहुत 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 ज्यादा इजी तरीके से एंटर हो गया, ठीक है। ओके, सो एवरीबॉडी आर यू रेडी फॉर दिस न्यू कंसेप्ट टुडे? यस और यस, जल्दी से बताइए मुझे क्या आप नए कंसेप्ट के लिए बिल्कुल रेडी हैं? हाँ या हाँ? हाँ या हाँ, जल्दी से बताओ। अभी तक मुझे कोई जवाब नहीं आया तो मैं इसका जवाब क्या समझूं? चलो जी, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। सो लेट अस स्टार्ट। अब आते हैं 6th पॉइंट के ऊपर। क्या टैक्स में सिर्फ टैक्स होता है? बीते दिनों हम लोगों ने बात करी थी कि टैक्स में सिर्फ टैक्स नहीं होता, टैक्स के अंदर एक और चीज होती है और उसे हम कहते हैं सरचार्ज। क्या कहते हैं बोलो बेटा? सरचार्ज कहते हैं, ठीक है। अब मैं अगर आपसे बात करूं सरचार्ज की, वट इज सरचार्ज? इट इज टैक्स ऑन टैक्स, मतलब टैक्स के ऊपर एक और अमाउंट कलेक्ट की जाती है, इसे हम कहते हैं सरचार्ज। सर क्या सरचार्ज मैंडेटरी है? आंसर इज यस, सरचार्ज मैंडेटरी है। सर सरचार्ज क्यों लगाया जाता है? वही रॉबिनहुड पांडे प्रोग्रेसिव बेसिस ऑफ टैक्सेशन को देखते हुए, जिसने ज्यादा इनकम कमाई है उससे थोड़ा सा ज्यादा कलेक्ट किया जाएगा। तो इसी एंगल के अंदर में जो ज्यादा कमा रहा है, एक लिमिट के ऊपर कमा रहा है, उनसे एडिशनल सरचार्ज कलेक्ट किया जाता है। उनसे क्या कलेक्ट किया जाता है? एडिशनल सरचार्ज कलेक्ट किया जाता है। सरचार्ज कलेक्ट किया जाता है एज अ परसेंटेज ऑफ टैक्स, और टैक्स प्लस सरचार्ज मिलाने के बाद जो अमाउंट आती है इस पे आप निकालते हो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। आई रिपीट, टैक्स प्लस सरचार्ज की अमाउंट जो फाइनल अमाउंट आती है इसके ऊपर आप सेस निकालते हो। यानी एक बात तो दिमाग आपको सेट कर लेना है, सेस वुड बी द लास्ट एक्टिविटी इन टैक्सेशन, सेस वुड बी द लास्ट एक्टिविटी इन टैक्सेशन बिफोर फाइनलाइजिंग ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है मालिक। अच्छा जी, अब सरचार्ज की पहले आपको थोड़ी सी हिस्ट्री पे लेके जाता हूं तो आपको इसका करंट समझ में आएगा। देखिए एक समय ऐसा था कि इंडिविजुअल और HUF, इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI, AJP, इनके लिए सरचार्ज रेट क्या हुआ करता था? अगर इनकी इनकम एक्सीड, लिखना कुछ नहीं है, अगर इनकी इनकम एक्सीड कर गई 1 करोड़ से तो इन्हें सरचार्ज लगता था। अगर इनकी इनकम 1 करोड़ से एक्सीड कर जाती थी तो इन्हें क्या लगता था? सरचार्ज लगता था। और उस टाइम का सरचार्ज का रेट था 15%, मतलब टैक्स का जो अमाउंट था ऑब्वियसली 30% ही होगा, अगर इनकम इतनी ऊपर जा रही है तो 30% पे 15% आपका क्या लगता था? सरचार्ज लगता था। अब हुआ क्या, 2014 में मोदी जी जब पावर के अंदर में आए तो मोदी जी ने कहा कि मैं अमीरों से लूंगा और गरीबों को दूंगा। ये एक स्टेटमेंट था, उस टाइम पे शायद लोगों को समझ नहीं आया। उन्होंने क्या किया जरा समझिए, कुछ पॉइंट्स आपको बताता हूं। आपको मोदी गवर्नमेंट पता है, मोदी गवर्नमेंट इसलिए भी फेमस है क्योंकि वो कुछ डिसीजंस बहुत कड़क लेते हैं और इस टाइम पे वो किसी का इंटरवेंशन नहीं चाहते। अब देखिए क्या दिमाग लगाया गया, दिमाग ये लगाया गया कि उन्होंने टैक्स नहीं बढ़ाया, क्योंकि अगर टैक्स बढ़ा देते तो इसे सारे स्टेट्स के बीच में शेयर करना पड़ता और मोदी गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज बीजेपी के नाम ही रखना चाहती थी, मतलब वो किसी और के नाम शेयर नहीं करना चाहती थी, ये बताना चाहती थी कि ये चीजें हमारे दौरान ही हुई है, हमारे काल में ही हुई है। इसीलिए क्या दिमाग लगाया गया ये सोचिए, उन्होंने दिमाग लगाया और बढ़ाया सिर्फ सरचार्ज, टैक्स नहीं बढ़ाया सरचार्ज बढ़ाया। क्या इंपैक्ट हुआ इसका? मेरा हर बच्चा जानता है क्या इंपैक्ट हुआ इसका। इसका इंपैक्ट ये हुआ कि सरचार्ज जो था वो सिर्फ यूनियन के पास गया, स्टेट के पास टैक्स जाता है, कुछ याद आ रहा है क्या? सरचार्ज किसके पास जाता है? यूनियन के पास, मतलब यूनियन को पैसा मिला उनकी कुछ स्पेसिफिक पॉलिसीज को क्या करने के लिए,
प्रमोट करने के लिए। इसीलिए सिर्फ सरचार्ज को इंक्रीज किया गया, टैक्स रेट को इंक्रीज नहीं किया गया। इट्स अ वेरी गुड ब्रेन वर्किंग बिहाइंड। सोचिए ना, टैक्स नहीं बढ़ाया गया, सरचार्ज रेट को बढ़ाया गया। मोदी गवर्नमेंट आई, मोदी गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा चेंज किया, ध्यान से सुनना, लिखना इनमें से आपको कुछ नहीं है, जैसे कि मैं पहले भी बोल चुका हूं। मोदी गवर्नमेंट ने एक बड़ा चेंज किया, उनने कहा अब सरचार्ज 1 करोड़ रुपए से नहीं 50 लाख रुपए से आएगा। 50 लाख और 1 करोड़ पे दो अलग अलग सरचार्ज लिमिट लगाई, एक लगाया 10% के हिसाब से और 1 करोड़ के ऊपर 15% के हिसाब से। ये हो गए बहुत बड़े बदलाव, ये मोदी गवर्नमेंट ने कर दिया। इससे हुआ क्या, बहुत सारे लोग अब टैक्स ब्रैकेट के अंदर में कवर हो गए सरचार्ज पर्पस के हिसाब से। किस पर्पस के हिसाब से साहब? सरचार्ज पर्पस के हिसाब से बहुत सारे लोग कवर हो गए, क्योंकि 50 लाख से ऊपर अगर आप साल भर में कमा रहे हैं तो भारत में इसे रिच माना जाने लगा। और साहब पूरा का पूरा बहुत बड़ा ब्रैकेट कवर हो गया। 50 लाख से ऊपर अगर किसी की भी इनकम जाती है तो सरचार्ज का रेट कर दिया गया 10% और 1 करोड़ के ऊपर किसी की इनकम जाती है तो सरचार्ज का रेट कर दिया गया 15%। इससे बहुत लोग नाराज हुए, क्यों? क्योंकि जो ज्यादा कमा रहे हैं, जो सुपर रिच है, उनको एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ रहा था। कितना एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ रहा था? इमेजिन करते हैं सलमान खान साहब को, अमिताभ बच्चन जी को, शाहरुख खान को और ऐसे कई अन्य बड़े लोग जो अच्छा खासा वेल्दी अमाउंट कमा रहे हैं। जरा सोच के देखिए, 30% ऑफ टैक्स, इस पे 15% ऐड कीजिए, 30+15% +4%, इनका टैक्स रेट कितना हो गया? 35.88% इनका टैक्स रेट हो गया, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट। अब इससे इंपैक्ट क्या पड़ गया? इससे इंपैक्ट ये पड़ गया कि वो लोग इंडिया से थोड़े से नाराज हो गए। क्यों? क्योंकि वो ऑलमोस्ट अगर 100 रुपए कमाते तो इसमें से 36 रुपीज अप्रोक्सीमेटली टैक्स देना पड़ता। 36 रुपीज इसमें से क्या देना पड़ता? टैक्स देना पड़ता। अब इस बात को और साकार किया गया कि मैं अमीरों से लूंगा और गरीबों को दूंगा। इस बात को और साकार किया गया, कैसे साकार किया गया? फाइनेंस एक्ट 2019, पिछले फाइनेंस एक्ट की बात कर रहा हूं मैं, फाइनेंस एक्ट 2019 ने इसमें और दो बड़े बदलाव किए। 2 करोड़ से ऊपर सरचार्ज रेट हो गया 25% और 5 करोड़ रुपए के ऊपर सरचार्ज रेट हो गया 37%। आप सरचार्ज के रेट समझ रहे हैं साहब? सरचार्ज के रेट समझिए क्या है। अगर कोई व्यक्ति 50 लाख से 1 करोड़ तक की इनकम कमाता है तो उस पर सरचार्ज रेट आ गया 10%। अगर कोई व्यक्ति 1 करोड़ से 2 करोड़ के ब्रैकेट में है तो उसका सरचार्ज रेट हो गया 15%। 2 करोड़ से 5 करोड़ के ब्रैकेट में है तो उसका सरचार्ज रेट हो गया 25%। और 5 करोड़ के ऊपर अगर कोई कमा रहा है तो उसका सरचार्ज रेट हो गया 37%। अब सलमान खान साहब को देखते हैं, ऑब्वियसली 5 करोड़ के ऊपर कमा रहे होंगे, उनका टैक्स रेट समझते हैं, 30+37% +4%। आप सोच के देखिए, आज उनका सरचार्ज रेट आ गया विथ टैक्स रेट 42.744%। ये पता है किन किन के रेट है? दर्शन खरे साहब के ये रेट है, विशाल सर के लिए ये रेट है। 5 करोड़ से ऊपर इनकम कमा रहे हैं, ऑब्वियस ही बात है टैक्स रेट यही होंगे। ये सुनो, बाकी जय सर, दर्शन सर 2 से 5 करोड़ वाले ब्रैकेट में, मैं तो 50 लाख के नीचे वाले ब्रैकेट में हूं तो मेरे को इतना टेंशन लेने की बात ही नहीं है। मतलब आप देखो, आज अगर ये हिंदुस्तान में 100 रुपए कमा रहे हैं तो 42.744 अप्रोक्सीमेटली 43 रुपीज सिर्फ डायरेक्ट टैक्सेस पे करता है। आदमी इतने टैक्स के अंदर में बोलता है, साला यहां पे मैं कर क्या रहा हूं, यहां मैं कर क्या रहा हूं? 100 में से ऑलमोस्ट 43 रुपीज तो मैं गवर्नमेंट को दे दे रहा हूं, प्लस मेरे अदर एक्सपेंसेस। आदमी डिमोटिवेट हो जाता है। और यह भी एक बहुत बड़ा रीजन था कि 2019 के अंदर में इकोनॉमिक स्लोडाउन आना शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि लोगों ने फिर भारत को छोड़कर के दूसरे एवेन्यूज के अंदर में अपनी इनकम जनरेट करना चालू किया। यह भी एक बहुत बड़ा रीजन था कि बॉस भारत से पैसा बाहर गया। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर में अगर वो पैसा कमाएंगे, भारत के अंदर में अगर वो इतना टैक्स देंगे तो आदमी डिमोटिवेट हो जाएगा। हालांकि इसमें अच्छा क्या हुआ, देखिए पर्सन इन जनरल जो अमीर आदमी है उसके लिए ये डिमोटिवेशन है, लेकिन अगर देश की बात की जाए तो जो ज्यादा कमा रहा है उसने ज्यादा पे करना चाहिए। और ये ज्यादा टैक्स अलग 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 चीजों में यूज हुआ। जैसे अगर आप देखें, पिछले 1.5 साल के अंदर में या 2 साल के अंदर में हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत अच्छा किया है इंडिया के अंदर में। कई रोड, डैम, ब्रिज, कनाल्स बने हैं,
कई एयरपोर्ट्स बनाए गए हैं, इनके अंदर में बहुत ह्यूज एक्सपेंडिचर्स हुए जो भारत सरकार ने किए हैं, आप देख सकते हैं इस बात को। कुछ पॉलिसीज को इंप्लीमेंट किया गया, कई नई पॉलिसीज लाई गई, तो ये सारी चीजों के लिए जो पैसा लगने वाला था वो इस तरीके से निकाला गया, वो इस तरीके से निकाला गया, राइट। तो मालिक ये बने नए सरचार्ज रेट। अब हुआ क्या, जरा ध्यान से सुनना, ये सरचार्ज रेट तो ला लिए 10%, 15%, 25%, 37%, लेकिन इससे एक बहुत बड़ा हाहाकार मचने वाला था, और वो हाहाकार पता है आपको कहाँ मचने वाला था? वो हाहाकार मचने वाला था स्टॉक एक्सचेंज पे। पूछो क्यों, पूछो ना क्यों, इससे बहुत बड़ा हाहाकार मचने वाला था स्टॉक एक्सचेंज पे। पूछो क्यों, नहीं पूछ रहे यार, मैं नहीं खेल रहा तुम्हारे साथ, तुम लोग पूछते नहीं हो, और पूछते नहीं हो तो मजा नहीं आता है मेरे को, मैं नहीं खेल रहा ऐसा करोगे तो, मैं नहीं खेल रहा। क्यों नहीं, क्यों ऐसा क्यों? हाँ तो ये, हाँ अब पूछा ना तुमने ये सही सवाल। सर इसका सही जवाब ये है कि इंडिविजुअल की हम बात कर रहे हैं, जब हम इसमें देखते हैं ना, जब हम इसमें देखते हैं इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल में आते हैं नॉन रेसिडेंट्स भी। नॉन रेसिडेंट्स इंडिया में मैक्सिमम पैसा लगाते हैं स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, बराबर है। अब नॉन रेसिडेंट्स की अगर हम बात करें, या इंडिविजुअल्स की भी अगर हम बात करें जो रेसिडेंट है, ध्यान से सुनना, इन लोग का मेजर पैसा लगा होता है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर में, और स्टॉक एक्सचेंज के अंदर में अगर ये सरचार्ज इतने हैवी रेट्स पे लगने चालू हो जाएंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि वो लोग डीमोटिवेट हो जाएंगे, और इसके अंदर में क्या होगा, लोग स्टॉक एक्सचेंज से पैसा निकाल देंगे। इमीडिएट एक डिसीजन लिया गया, इमीडिएट एक डिसीजन लिया गया, इसे हम कहते थे सरचार्ज, और ये जो 2019 में लाया गया इसे नाम रखा गया एनहांस्ड सरचार्ज। इसे नाम क्या रखा गया? एनहांस सरचार्ज नाम रखा गया। भारत सरकार ने तुरंत एक डिसीजन लिया, चाहे वो रेसिडेंट के लिए हो चाहे वो नॉन रेसिडेंट के लिए हो, कि साहब इतने ह्यूज अगर हम लगाएंगे तो लोग डीमोटिवेट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पहले तो उनने इनकम कमाई, इस इनकम पे टैक्स दिया, उसके बाद जो पैसा बचा उनने स्टॉक एक्सचेंज में डाला, स्टॉक एक्सचेंज में पैसा जो कमाया उस पर अगर हम फिर से बहुत लंबा सरचार्ज कलेक्ट कर लेंगे तो ये नॉन रेसिडेंट एज वेल एज रेसिडेंट के लिए एक डीमोटिवेशन वाला फैक्टर होगा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक डिसीजन लिए, डिसीजन क्या लिए जरा ध्यान से सुनना, एनहांस्ड सरचार्ज, वर्ड जरा ध्यान से सुनना, एनहांस सरचार्ज इज नॉट एप्लीकेबल, इज नॉट एप्लीकेबल फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112, 112A और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A। क्या कहा गया? एनहांस सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है, एनहांस सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है, एनहांस सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है, एनहांस सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है। जिसका मतलब यह हुआ कि अगर अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 112, 112A का, या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 111A का, ये अगर 2 करोड़ से ऊपर या 5 करोड़ से ऊपर भी है, एनहांस सरचार्ज नहीं लगेगा। पूरी बात को ध्यान से सुनिए, क्या कहा गवर्नमेंट ने, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर एनहांस सरचार्ज नहीं लगेगा। जब ये पॉइंट लोकसभा में आया तो अपोजिशन में जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी, इन्होंने एक सवाल जो नहीं पूछना चाहिए था, जो लूप होल बन सकता था, वो सवाल पूछ करके इस पूरे पॉइंट को हाइड कर दिया। कांग्रेस सरकार की तरफ से एक सवाल आया, उन्होंने कहा एनहांस सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है, इसका मतलब यही ना कि सरचार्ज नहीं लगेगा 111A 112A के अंदर में। निर्मला सीतारमन जी की तरफ से जवाब आया, आपने सही तरीके से लॉ नहीं पढ़ा शायद, निर्मला सीतारमन जी कहती है एनहांस सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है, सरचार्ज एप्लीकेबल है। कांग्रेस सरकार पूछी मतलब, उन्होंने कहा एक मिनट, हमने कहा एनहांस सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है, अगर 2 करोड़ से ऊपर भी जा रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, मैक्सिमम सरचार्ज रेट वुड बी 15%, मैक्सिमम सरचार्ज रेट वुड बी 15%। मतलब इमेजिन कीजिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, 112, 111A, अलग अलग पैरामीटर्स में देखते हैं, 49 लाख अगर है आपकी टोटल इनकम, तो सरचार्ज का रेट क्या होगा?
अगर आपकी इनकम 49 लाख रुपीज है, एनीबडी प्लीज रिप्लाई, सरचार्ज का रेट क्या होगा? सरचार्ज का रेट क्या होगा जल्दी से बताइए, अगर मेरी टोटल इनकम 49 लाख रुपीज है, सरचार्ज का रेट क्या होगा? एवरीबडी क्विक, नो आंसर्स, एक जन तो बता दो, निल निल, बहुत बढ़िया बेटा, सही जवाब दिया आपने, यह आया निल। चलो 52 लाख रुपीज है, अब मेरा सरचार्ज का रेट क्या होगा? 52 लाख रुपीज है, अब मेरे सरचार्ज का रेट क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब आपने दिया, 10%, राइट। अगर मेरी इनकम 1.30 करोड़ रुपीज है, इन इनकम की, अब मेरा सरचार्ज रेट क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, 15%। अगर मेरी इनकम 2.40 करोड़ रुपीज है, अब मेरा सरचार्ज रेट क्या होगा? अब मेरा सरचार्ज रेट क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट जवाब दे रहे हैं आप, 15% ही होगा। क्यों? लॉ बड़ा क्लियर है, सरचार्ज एप्लीकेबल है, एनहांस सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है इस केस में, पॉइंट समझे? मतलब अगर कांग्रेस सरकार उस टाइम पे ये सवाल न छेड़ती तो शायद ये अजम्पशन बन जाते कि ये सरचार्ज एप्लीकेबल ही नहीं है, पर कांग्रेस सरकार ने अच्छा हुआ ये छेड़ दिया, भारत सरकार ने तुरंत उसके ऊपर क्या कर दिया, पलटवार किया और कहा एनहांस सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है, पर सरचार्ज तो एप्लीकेबल है। अच्छा ये बताइए, 5.60 करोड़ रुपीज हुए, अब बताइए सरचार्ज रेट क्या होगा? जल्दी से एवरीबॉडी क्विक क्विक क्विक, अब बताओ सरचार्ज रेट क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, एनहांस सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है, सरचार्ज एप्लीकेबल है। मतलब देखो, टेक्निकली 1 करोड़ तक के, या सॉरी 2 करोड़ तक के तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, नॉर्मल सरचार्ज रेट जो सभी के लिए चलने वाला है वो वैसे ही चलेगा, लेकिन जहां एक यू नो 2 करोड़ के ऊपर का मैटर आता है, जहां 2 करोड़ के ऊपर का मैटर आता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर एनहांस सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है, एनहांस सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है। इनमें से कोई भी पॉइंट एज ऑफ नाउ आपको नहीं लिखने हैं, मैंने आपको पहले ही बोल दिया, जब कहूंगा तब आपको लिखना है कुछ भी चीज। तो सर क्या सीखा हम लोगों ने, क्या सीखा हम लोगों ने? हम लोगों ने सबसे पहले सरचार्ज रेट सीखे, हिस्ट्री में थे हम लोग, एक समय था सरचार्ज सिर्फ 1 करोड़ के ऊपर था, फिर आगे आए, हमने देखा कि मोदी सरकार ने 2014 में एक स्पीच दिया था जिसको इंप्लीमेंट 2019 में किया, 50 लाख के ऊपर से सरचार्ज लागू कर दिए गए, अमीरों से लूंगा गरीबों को दूंगा स्टेटमेंट का ये इंपैक्ट हुआ, और क्या बढ़ाया गया? टैक्स नहीं, सिर्फ सरचार्ज बढ़ाया गया, क्योंकि सरचार्ज ही है जो यूनियन के पास जाता है, जो स्टेट्स के साथ शेयर नहीं होता, इसलिए क्या किया गया, सरचार्ज के रेट बढ़ाए गए। क्या है आज सरचार्ज के रेट, ध्यान से सुनना, क्या है आज सरचार्ज के रेट? आज सरचार्ज के रेट है साहब 25% और 37% भी, जहां इनकम एक एक्स लिमिट के ऊपर जा रही है, इन दोनों को नाम दिया गया एनहांस्ड सरचार्ज। फिर यू नो लोग डीमोटिवेट ना हो जाएं, स्टॉक मार्केट कहीं नीचे ना आ जाए और स्टॉक मार्केट का एक मोटिवेशन बना रहे, इसलिए इन्होंने क्या किया, एनहांस्ड सरचार्ज 111 ए, 112 और 112 ए पे एप्लीकेबल नहीं है, सरचार्ज एप्लीकेबल है, एनहांस सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है, इस बात को कह दिया गया। इससे हुआ क्या, आप खुद देख सकते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट एज ऑफ नाउ ऑल टाइम बूम पे चल रहा है, 55,000 करोड़ ये एफडीआई इन्वेस्टमेंट आया ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड, जो आज तक कभी नहीं आया था। क्यों? क्योंकि इंडिया से उन्हें बहुत बड़ा मोटिवेशन मिला, एनहांस सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है। टैक्स रेट्स आज इंडिया के ऑलमोस्ट लो चल रहे हैं, सर लो, ये लो है, हाँ ये लो है। मैं सीए फाइनल लेवल पे जब इंटरनेशनल टैक्स पढ़ाता हूं या सीए फाइनल लेवल पे जब डायरेक्ट टैक्स पढ़ाता हूं, तब आपको एग्जांपल देता हूं कि सर कैसे चाइना अमेरिका यूके में ये टैक्स रेट्स और हाई हैं, ये टैक्स रेट्स और हाई हैं। इंडिया एज ऑफ नाउ
फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स प्रमोट करने के लिए हम लोगों ने ऑल टुगेदर एक सेपरेट स्टॉक एक्सचेंज बनाया है, जिसे कहा जाता है एनएससी आईएफएससी, गूगल पे डालिएगा। हालांकि आप अभी बहुत छोटे हैं इस कंसेप्ट को समझने के लिए, पर गूगल पे डालिए एनएससी आईएफएससी। एक सेपरेट स्टॉक एक्सचेंज बनाया गया है किसके लिए, नॉन रेसिडेंट इंडिया में ट्रेड कर सके विदाउट एसटीटी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, विदाउट एनीथिंग, और इनके ऊपर ह्यूज बेनिफिट्स। तो भयानक इन्वेस्टमेंट बढ़ा और स्टॉक मार्केट ऊपर आया। इनके एग्जांपल्स एंड सारी चीजें लेना बाकी है, ध्यान से सुनिए। पहले पूरा कंसेप्ट बिल्डिंग करेंगे, उसके बाद सब सारी चीजें लेंगे। एग्जांपल लिए बगैर तो छोड़ूंगा नहीं, तुमको भी पता है। आगे बढ़ते हैं, क्या हुआ, बढ़ते बढ़ते आया फाइनेंस एक्ट 2020, अमेंडमेंट अमेंडमेंट अमेंडमेंट। फाइनेंस एक्ट आया, फाइनेंस एक्ट 2020, बराबर। इस फाइनेंस एक्ट 2020 में बड़े बदलाव, जो बच्चा नवंबर 20 का था और अभी ये लेक्चर देख रहा है, इस पॉइंट को जरा ध्यान से सुने। नवंबर 20 के बाद मई 21 आया, फाइनेंस एक्ट बदल गया, फाइनेंस एक्ट 20 आया। फाइनेंस एक्ट 20 का सबसे बड़ा अमेंडमेंट ये हुआ कि पहले डिविडेंड जो था वो क्या हुआ करता था, एग्जम्प्ट हुआ करता था इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर अप टू ₹10 लाख। फाइनेंस एक्ट 19 में ऐसा होता था, लिखना कुछ भी नहीं है, फाइनेंस एक्ट 19 में ऐसा होता था और फाइनेंस एक्ट 20 में ऐसा होता है, बहुत कुछ बदल गया। फाइनेंस एक्ट 19 में ऐसा होता था कि जो डिविडेंड था ये डिविडेंड एग्जम्प्ट था अप टू ₹10 लाख एंड बियॉन्ड 10 लाख ये क्या था मालिक, टैक्सेबल था। फाइनेंस एक्ट 2020 ने क्या कर दिया, इस पूरी प्रोविजन को कट कर दिया और कह दिया डिविडेंड इज नाउ टैक्सेबल एट नॉर्मल स्लैब रेट। मतलब जो एक सिचुएशन हुआ करती थी कि डिविडेंड 10 लाख रुपए तक एग्जम्प्ट है, वो सिचुएशन ऑल टुगेदर खत्म कर दी गई और अब डिविडेंड ₹1 से टैक्सेबल कर दिया गया है। जो बच्चे मई जून 21 नवंबर दिसंबर 21 दे रहे हैं, वो इस पॉइंट के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करें, क्योंकि ये पॉइंट बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंफर्म है आपके एग्जाम में ये चीज आएगी, कंफर्म है एग्जाम में ये चीज आएगी। सो क्या ला दिया गया, ये प्रोविजन हटा दी गई और इस साल की प्रोविजन ये है कि डिविडेंड ₹1 से टैक्सेबल है। इन पे हमने कल प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए हैं, डिविडेंड को नॉर्मल इनकम मान के नॉर्मल तरीके से टैक्स कैलकुलेट करना, आप जाकर के देख लीजिए। आपने अगर प्रॉब्लम दोबारा सॉल्व किया होगा तो प्रभु आपको ऑटोमेटिकली दिख जाएगा हमने डिविडेंड लिया है उसमें। डिविडेंड इज नाउ टैक्सेबल एट नॉर्मल स्लैब रेट, ₹1 से अब डिविडेंड टैक्सेबल है, डोमेस्टिक कंपनी ने दिया हुआ। इन शॉर्ट शेयर होल्डर के ऊपर लाइबिलिटी आ गई है डिविडेंड को टैक्स देने की, जो पहले नहीं थी अब है। एक और सवाल उठा कि सर सरचार्ज का कैसा करेंगे। सरकार ने इसके ऊपर मंथन किया, सोचा समझा और गहराई से देखा कि जो यू नो फॉरेन पीपल है या जो इंडियन पीपल है, इस केस में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम यह आएगा कि जब हमने लोअर किया सरचार्ज को, इन्होंने ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स किए, अब इन्वेस्टमेंट्स करे तो डिविडेंड को इस साल से हमने कर दिया टैक्सेबल, इससे फिर वो डिमोटिवेट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि डिविडेंड पे भी अगर इनकम, डिविडेंड अगर इनकम है और ₹1 से टैक्सेबल है और डिविडेंड लेट से 2 करोड़ या 5 करोड़ रुपए के ऊपर चल जाए, जो हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए, अदरवाइज डिविडेंड ₹10, ₹50, ₹100 आता है। हम बात कर रहे हैं हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स की, राकेश झुंझुनवाला की, या ऐसे तमाम बड़े इन्वेस्टर्स, अनिल संघवी ले लीजिए आप, बड़े इन्वेस्टर है बहुत बड़े, रतन टाटा ले लीजिए आप, बड़े इन्वेस्टर्स है, कंपनीज के अंदर में इन्वेस्ट करते हैं, यू नो मुकेश अंबानी साहब ले लीजिए, देन हाजिम प्रेम जी ले लीजिए, ऐसे कई बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं और इनकी डिविडेंड वैल्यू ह्यूज अमाउंट पे आती है 2 करोड़ से ऊपर की। अब ऐसे केसेस में अगर इन्हें एनहांस सरचार्ज लगा दिया जाए तो अगेन ये डीमोटिवेट हो जाएंगे और कंपनीज को आज जो पैसा चाहिए इस लॉकडाउन में न्यू टेक्नोलॉजी लाने का, यू नो, या फंडिंग करने का, ये एक इंपैक्ट पड़ सकता था। भारत सरकार ने एक और बड़ा डिसीजन लिया, कान खोल के सुनिए, भारत सरकार ने एक और बड़ा डिसीजन लिया और वो डिसीजन ये लिया दैट एनहांस्ड सरचार्ज, वर्ड को फिर से ध्यान से सुनिएगा, एनहांस्ड सरचार्ज
इज नॉट एप्लीकेबल टू डिविडेंड इनकम। अब मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आपके एक मिनट में दिमाग में एंटर हो गया होगा मैंने क्या कहा, मुझे इसका मीनिंग समझाएं। एनहांस्ड सरचार्ज इज नॉट एप्लीकेबल टू डिविडेंड इनकम, इसका मीनिंग समझाएं मुझे, कमेंट करें फटाफट और इसका मीनिंग समझाएं मुझे। एनहांस सरचार्ज इज नॉट एप्लीकेबल ऑन डिविडेंड इनकम, एनहांस सरचार्ज इज नॉट एप्लीकेबल टू डिविडेंड इनकम, एनहांस सरचार्ज इज नॉट एप्लीकेबल टू डिविडेंड इनकम, क्या मीनिंग हुआ? सही जवाब दिया सुदेश ने एज ऑफ नाउ, सरचार्ज एप्लीकेबल है, एनहांस सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है। डिविडेंड पे एनहांस सरचार्ज, सरचार्ज इज एप्लीकेबल, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने भाई साहब, सरचार्ज एप्लीकेबल है, एनहांस सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है। तो अब इसको और इजीली समझते हैं। अगर अगर आपको बुरा ना लगे, दो मिनट पेन रोक दो, कमेंट रोक दो, दो मिनट पेन रोक दो, कमेंट रोक दो, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं इसी एग्जाम्पल में डिविडेंड भी जोड़ दूं तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? इसी एग्जाम्पल में डिविडेंड भी जोड़ लो, आंसर बिल्कुल सेम आएंगे, आप देख लो, बुरा तो नहीं लगा, बुरा तो नहीं लगा, जरा ध्यान से सुनना। इसी एग्जाम्पल में मैं डिविडेंड भी जोड़ देता हूं, सही, दिमाग में फिट हुआ, दिल तक गई बात पूरी, दिल तक गई मालिक बात पूरी, एवरीबॉडी दिल तक गई क्या सेठ पूरी? शानदार शानदार, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। यानी क्या, क्या अब मैं ऐसा कह सकता हूं, क्या अब मैं ऐसा कह सकता हूं, ध्यान से सुनना, क्या अब मैं ऐसा कह सकता हूं, मेरी दो इनकम को अलग अलग करो, मेरी दो इनकम को अलग अलग करो, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, 111 112 112 ए डिविडेंड इनकम, इनपे इनपे एनहांस सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है, प्लस सरचार्ज तो एप्लीकेबल है, इनको छोड़ के बाकी सब इनकम, इनको छोड़ के बाकी सब इनकम, इनको छोड़ के बाकी सब इनकम पे सरचार्ज भी एप्लीकेबल है, एनहांस सरचार्ज भी एप्लीकेबल है। भारत सरकार ने इन चार आइटम्स को क्यों बाहर रखा, इसका लॉजिक मैंने आपको बता दिया, ताकि इन्वेस्टर डीमोटिवेट ना हो, स्टॉक मार्केट नीचे ना आए और कंपनीज में फंडिंग हमेशा बनी रहे, इस चीज को प्रमोट करने के लिए इन चीजों को एनहांस सरचार्ज से बाहर रखा गया है। सरचार्ज है, एनहांस सरचार्ज से बाहर रखा गया है, मतलब ये अमाउंट अगर 2 करोड़ के ऊपर भी है तो भी 25% की जगह 15% ही लगेगा, 5 करोड़ के ऊपर भी है तो भी 37% की जगह 15% ही लगेगा। सबको समझ में आया मालिक, सबको समझ में आया सरचार्ज, इसमें से कुछ भी आपको लिखना नहीं था, कुछ भी लिखना नहीं था इसमें से आपको, मेरी बात ध्यान से सुनिए, इसमें से कुछ भी आपको लिखना नहीं था। सर कैजुअल इनकम का क्या, वो भी स्पेशल रेट में ना, उसमें सिर्फ रेट स्पेशल है, एनहांस सरचार्ज उसको भी एप्लीकेबल है, एनहांस सरचार्ज सिर्फ 4 केस में एप्लीकेबल नहीं है। एनहांस सरचार्ज नॉट एप्लीकेबल ओनली इन 4 केसेस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और जो डिविडेंड इनकम आ रही है वो, लेट्स से डिविडेंड इनकम पे इसे परखते हैं। अगर डिविडेंड 49 लाख रुपीज है, सपोज कोई और इनकम नहीं है, देर विल बी नील सरचार्ज। 52 है 10%, 1.3 करोड़ है 15%, 2.4 करोड़ है 15%, 5.6 करोड़ है 15%। एनहांस सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है, सरचार्ज एप्लीकेबल है। गेटिंग इट और नॉट मालिक? बहुत आसान शब्दों में तुम्हें अगर एक बार में समझ में आ गया तो भाई फुल रिस्पेक्ट, क्योंकि ये बहुत टेक्निकल पॉइंट था और ये टेक्निकल पॉइंट तभी अच्छे से समझ में आता था जब मैं आपको 2014 से 2021 तक की पूरी हिस्ट्री समझाता था, पूरी हिस्ट्री समझाता था, तब जाके आपको समझ में आता था ये पूरा का पूरा कंसेप्ट। अब आएगा आपको मजा, जरा ध्यान से सुनिए, नोट नंबर 6 पे आइए, पेज नंबर 13 लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे, पहले ध्यान से सुनिएगा, लिखेंगे और भयानक एग्जाम्पल है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इनकम टैक्स कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन
ऑफ 111 ए, 112, 112 ए, सेक्शन 115 बी ए सी, क्या है पता चलेगा। वुड बी इंक्रीज्ड बाय सरचार्ज, इस साल का एक अमेंडमेंट। यहां पे एक और चीज ऐड होगी, डिविडेंड एंड 111 ए, 112 ए, यहां पे डिविडेंड एंड लिखिए, डिविडेंड एंड 111 ए, 112 ए। इसमें और भी हिस्ट्री बाकी है, जरा ध्यान से सुनेंगे। इसमें और भी हिस्ट्री बाकी है, जरा ध्यान से सुनेंगे। अच्छा, जब इस पॉइंट को क्लैरिफाई किया गया तो एक पॉइंट आपको समझना होगा। जब इस बात को पहली बार बजट में सामने रखा गया, अभी कुछ नहीं लिखना है, ध्यान से सुनो, जब इस बात को पहली बार डिस्कशन में रखा गया, किसके सामने, संसद के सामने, तो उन्होंने कहा देखो तुम स्टॉक मार्केट के लिए कर रहे हो ये तो समझ में आता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 112 ये तो कोई स्टॉक मार्केट के लिए नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपने सेक्शन रखा है स्पेसिफिक, कौन सा आपने स्पेसिफिक सेक्शन रखा है उसके लिए, कौन सा, 112 ए या 111 ए। तो 112 को आप यहां पे क्यों रखोगे, 112 को आपने नहीं रखना चाहिए। इस बात को समझा गया और बहुत क्लैरिटी के साथ 2019 में ही, पूरी हिस्ट्री को ध्यान से सुनिए, 2019 में ही हटा दिया गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 112 ए को, हटा दिया गया और सिर्फ रखा गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 112 ए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर 111 ए एंड डिविडेंड इनकम। यानी टेक्निकली अगर हम फाइनल बात करें तो एनहांस सरचार्ज किस पे एप्लीकेबल नहीं है, अगर हम फाइनल बात करें तो एनहांस सरचार्ज तीन चीजों पे एप्लीकेबल नहीं है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 ए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 ए एंड डिविडेंड इनकम। 112 भी हटा दिया गया था डिस्कशन के बाद ही। तो आज 2021 का फाइनल कंक्लूजन क्या है, फाइनल कंक्लूजन पे अब मैं बात कर रहा हूं जो आपको बुक में भी दिखेगा। 2021 का फाइनल कंक्लूजन ये बना दैट एनहांस सरचार्ज इज नॉट एप्लीकेबल टू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 112 ए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 ए, डिविडेंड और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112, कैजुअल इनकम एंड ऑल अदर इनकम आर लाइबल टू सरचार्ज एंड एनहांस्ड सरचार्ज एज वेल। फिर 2019 से ही ये पॉइंट क्लियर हो गया दैट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 112 ए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर 111 ए एंड डिविडेंड इनकम पे नहीं होगा, बाकी कैजुअल इनकम, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 या कोई भी अदर इनकम, एचपी, सैलरी, पीजीबीपी, इन सब अदर सोर्सेज, इन सब पे सरचार्ज भी होगा और एनहांस सरचार्ज भी होगा। आइए अब फाइनल बात करेंगे। इनकम टैक्स कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन अंडर 111 ए, 112, 112 को हम कट करेंगे, 112 ए, 115 बी ए सी, वुड बी इंक्रीज्ड बाय सरचार्ज, डिविडेंड 111 ए, 112 ए, और ये सारी आ गई अदर इनकम। अदर में हमने इंक्लूड कर दिया लॉन्ग टर्म अंडर 112 ए, अदर में कैजुअल इनकम भी आ गया। अब बहुत ध्यान से सुनना, सभी लोग बहुत ध्यान से सुनना, इफ द टोटल इनकम इंक्लूडिंग 111 ए, 112 ए डिविडेंड डज नॉट एक्सीड 50 लाख, अगर 50 लाख से ऊपर जा ही नहीं रही, क्या मैं कह सकता हूं सरचार्ज यहां पे भी निल, सरचार्ज यहां पे भी निल, सरचार्ज यहां पे भी निल, सरचार्ज यहां पे भी निल? यस। अगर ये इनकम 50 लाख से ऊपर जा रही है लेकिन 1 करोड़ से ऊपर नहीं जा रही,
50 लाख से ऊपर जा रही लेकिन 1 करोड़ से ऊपर नहीं जा रही, क्या मैं कह सकता हूं सरचार्ज डिविडेंड 111A 112A के लिए भी 10%, अदर इनकम के लिए भी 10%, एवरीबॉडी यहां तक के समझा। तीसरा, टोटल इनकम इंक्लूडिंग 111A 112A डिविडेंड इनकम एक्सीड 1 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड 2 करोड़, 1 करोड़ से 2 करोड़ तक का है, यहां पे भी 15% आएगा, यहां पे भी 15% आएगा। इनकम एक्सीड 2 करोड़ अप टू 5 करोड़, अब बताओ 2 करोड़ से ऊपर 5 करोड़ तक, आपको नहीं लगता 111A 112A और डिविडेंड के लिए तो हम 15% ही रखेंगे, अदर इनकम के लिए सचार्ज कितना हो जाएगा 25%, अदर इनकम के लिए सचार्ज कितना हो जाएगा 25%। हियर इज द मेन डिफरेंस एवरीबॉडी, टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग स्पेशल इनकम अगर 5 करोड़ के ऊपर है तो इन इनकम के लिए तो 15% ही रहने वाला है, एनहांस सरचार्ज इन पे एप्लीकेबल नहीं है, अदर इनकम पे सरचार्ज रेट कितना हो जाएगा 37%, अदर इनकम पे सरचार्ज रेट कितना हो जाएगा 37%। सिक्स्थ वाला छोड़ दे, आपको समझने के लिए थोड़ा लिटिल टाइम लगेगा, आज का लेक्चर हमारा इन एंड अराउंड इसी पे घूमेगा। नीचे एग्जाम्पल सहित आपको सब कुछ दिया है, एग्जाम्पल सहित आपको दिया है, ध्यान से सुनना, सारे एग्जाम्पल हैं यहीं पे, ये सारे एग्जाम्पल हम लोग यहीं से देखेंगे। पहले यहां तक के मुझे सभी बच्चे वापस क्लियर कर दें, यहां तक सभी बच्चे मुझे वापस क्लियर कर दें। एनहांस सरचार्ज कौन कौन सी इनकम पे एप्लीकेबल नहीं है कमेंट करके बताएं। एनहांस सरचार्ज नॉट एप्लीकेबल टू, 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 जल्दी बताइए 112A 111A डिविडेंड इनकम, परफेक्ट 111A 112A डिविडेंड इनकम, बहुत बेहतर। तो सर सभी लोग फटाफट आज इस बात को अपने हर सोशल मीडिया पे लिखेंगे, हर जगह जो मिला उससे आज पहली बात यही करेंगे, क्या तुझे पता है एनहांस सरचार्ज इज नॉट एप्लीकेबल टू 111A 112A डिविडेंड इनकम, अपने हर सोशल मीडिया पे डाले, व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टा स्नैपचैट ट्विटर जितने सोशल मीडिया ऐप है हर एक जगह पे लिखना एनहांस सरचार्ज इज नॉट एप्लीकेबल फॉर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A, 112 की बात नहीं कर रहे 112A जो सिर्फ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज पे आता है। तीसरा डिविडेंड इनकम, इन पे एनहांस सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है, खुद भी पोस्ट करना मुझे भी टैग करना मैं भी रिपोस्ट करूंगा इंस्टा पे। तो सर बिल्कुल बात क्लियर कर लें, एनहांस सरचार्ज इन पे एप्लीकेबल नहीं है। सवाल पूछूंगा क्या 112 पे एनहांस सरचार्ज एप्लीकेबल है, क्या 112 पे एनहांस सरचार्ज एप्लीकेबल है, यस। कैजुअल इनकम पे एनहांस सरचार्ज एप्लीकेबल है, यस। समझ में आई बात, अदर इनकम पे एप्लीकेबल है, यस। इन तीन इनकम पे एप्लीकेबल नहीं है, समझ में आया, समझ में आया मेरे बच्चा, सभी लोगों को बहुत क्लियर, चल मेरे बच्चे। तो आज आप सभी का अच्छा होगा क्या पता है, तुम ऐसे आड़े तेड़े स्टेटस डालोगे, बराबर है, एनहांस सरचार्ज इज नॉट एप्लीकेबल टू 111A 112A एंड यू नो डिविडेंड। आपके जो दोस्त कॉमर्स में नहीं है या जिन्होंने अब तक के ये क्लास नहीं करी वो तुम्हें मैसेज करके पूछेंगे व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, तुमने प्राउडली कहना सीए थिंग्स, सीएस थिंग्स, सीएमए थिंग्स। कई बार ऐसा होता है ना कि तुम आड़े तेड़े स्टेटस डालो लोगों को समझ में ही नहीं आते, बस आज से ये स्टेटस होने चाहिए तुम्हारे, एनहांस सरचार्ज जो मिले उसको, मम्मी के पास जाना किचन में, मम्मी को बोलना मम्मी क्या तुझे पता है एनहांस सरचार्ज इज नॉट एप्लीकेबल टू 112A डिविडेंड इनकम, मम्मी कुछ समझ नहीं पाएगी, मम्मी कुछ समझ नहीं पाएगी, मम्मी बोलेगी बेटा तेको क्या हुआ है, उनको बोला मम्मी तुमसे ना हो पाएगा, चिल रोमांसिंग द टैक्सेशन, चिल
पप्पा मिलेंगे, पप्पा को बोलना पप्पा क्या आपको बताया है एनहांस सरचार्ज इज नॉट एप्लीकेबल टू 111 112 डिविडेंड इनकम। पप्पा बोलेंगे क्या हुआ है तुझे, उनको बोलना अरे पप्पा इस रोग को टैक्स रोग कहा जाता है, आप नहीं समझ पाओगे। दादू मिले दादू को पूछना, भाई मिले भाई को पूछना, जो मिले उसको पूछने का। आज से लेकर कल तक के दिन भर तुम्हारे स्टेटस पर ये होना चाहिए, जिसने भी पूछा ये क्या है उसको बोलना बेटा तुमसे ना हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा। यस बेटा, तो एक बार फिर से मैं मंत्र कह देता हूं, एनहांस सरचार्ज इज नॉट एप्लीकेबल टू शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर 111 ए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 112 ए, डिविडेंड इनकम 112 की बात नहीं कर रहे, 112 ए की बात कर रहे हैं। आया ध्यान में कि दुकान में मालिक, सबको बिल्कुल सबको। अच्छा मैं आपको बताऊं, अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड होगी, बॉयफ्रेंड होंगे, वुड भी होंगे, उन्हें भी मैसेज करना बेबी एनहांस सरचार्ज इज नॉट एप्लीकेबल टू दिस दिस दिस। सपोज वो अपने फील्ड की नहीं है या अपने फील्ड की अब तक क्लासेस नहीं लगाई उसने कहा, और मतलब अगर किसी को ब्रेकअप करने की इच्छा है तो उसने बाकायदा ये बात बोलने का, अगर तुझे इतना भी नहीं पता ना तो आई थिंक इट्स नॉट वर्किंग एनी मोर, आई क्विट। तो सर बोलने की बात है, मजे की बात है, ऐसा बिल्कुल ना करे, राइट। सो ये बात अगर क्लियर हो गई हो तो एक एक एग्जाम्पल को बड़े ध्यान से देखते हैं। अगर ये बात बहुत अच्छी से हो चुकी हो तो इसको जरा ध्यान से देखिए। सपोज सपोज ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, सपोज यू हैव अ डिविडेंड इनकम ऑफ 10 लाख, एग्जाम्पल देखना ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ टोटल इनकम यहां फोकस करना। यू हैव अ डिविडेंड इनकम ऑफ 10 लाख, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर 111 ए 20 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 112 ए 25 लाख, एंड अदर इनकम 40 लाख। तो चलिए टोटल इनकम निकालते हैं, सबसे पहले इनकी टोटल इनकम कितनी हुई, 10 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 40, टोटल इनकम हुई अपनी 95 लाख। मतलब कहीं ना कहीं हम रेंज कर रहे हैं 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में। इस पॉइंट पे सरचार्ज रेट क्या आता है, 10% आता है, चाहे कोई भी इनकम हो, चाहे कोई भी इनकम हो, सरचार्ज रेट 10% ही रहेगा। एप्लीकेबल रेट ऑफ सरचार्ज देख लीजिए, द सरचार्ज रेट वुड बी 10% ऑन द इनकम टैक्स कंप्यूटेड ऑन 95 लाख। पूरे 95 लाख के ऊपर, पूरे 95 लाख के ऊपर कितना परसेंट आएगा मालिक, 10%। डिड यू गॉट दिस पॉइंट और नॉट, एवरीबॉडी पॉइंट समझ आया सबको, अगर दिल तक के पहुंच गया तो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं, दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। डिविडेंड इज 10 लाख रुपीज, कैलकुलेटर पे ले लो, डिविडेंड इज 10 लाख रुपीज, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 60 लाख रुपीज, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 65 लाख रुपीज, एंड अदर इनकम 50 लाख रुपीज। टोटल बना 1 करोड़ 85 लाख रुपीज, यानी आप कहीं ना कहीं 1 करोड़ से 2 करोड़ के ब्रैकेट में हैं, 1 करोड़ से 2 करोड़ के ब्रैकेट में हैं। क्या मैं कह सकता हूं किसी भी तरह की इनकम, एनी इनकम, आपका सरचार्ज रेट क्या होगा, आपका सरचार्ज रेट क्या होगा, 15%। आपका सरचार्ज रेट क्या होगा, 15%। सो सरचार्ज वुड बी 15% ऑन द टोटल इनकम ऑफ 1.85 करोड़। गेटिंग इट और नॉट, आइए तीसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं, तीसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं। डिविडेंड इज 60 लाख रुपीज, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 54 लाख रुपीज, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 55 लाख रुपीज, अदर इनकम 3 करोड़ रुपीज। अब यहां देखें हम 2 करोड़ के ऊपर चले गए, यहां हम 2 करोड़ के ऊपर चले गए, हमारा अदर इनकम 2 करोड़ के ऊपर चला गया, हमारा अदर इनकम 2 करोड़ के ऊपर चला गया। बहुत ध्यान से सुनना, अदर इनकम मालिक 2 करोड़ के ऊपर चला गया, सेठ इधर ध्यान दो, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, ध्यान से सुनना, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं
हम 2 करोड़ से 5 करोड़ के ब्रैकेट के बीच में हैं। अगर 2 करोड़ से 5 करोड़ के ब्रैकेट में हैं, क्या मैं कह सकता हूं 111A, 112A और डिविडेंड इनकम इन पे क्या होगा और अदर पे क्या होगा, प्लीज मुझे इतना एक्सप्लेन कर दें। हम 2 से 5 करोड़ के ब्रैकेट में हैं, मुझे बताइए 111A, 112A डिविडेंड इनकम के लिए क्या होगा और अदर इनकम के लिए क्या होगा। आपके कमेंट का जल्दी से इंतजार है मेरे को। एक जवाब 15 एंड 25, अब तक एक जवाब ही आ पाया है मुझ तक। फिफ्टीन एंड 25 बिल्कुल सही जवाब दिया आप सभी लोगों ने। इस पे आएगा 15, इस पे आएगा 25। बात फिक्स है, दिमाग अटल है। सरचार्ज वुड बी 15% इन केस ऑफ डिविडेंड, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सरचार्ज वुड बी 25% ऑन दी अदर इनकम। आपको ये कंसेप्ट पूरा समझ गया, एक नंबर काम। होथ हार्ड आया क्या? आया मालिक, बहुत शानदार। आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। डिविडेंड इनकम 60 लाख, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 50 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 65 लाख, अदर इनकम 6 करोड़। अदर इनकम 6 करोड़, कोई मुझे बताए 111A, 112A डिविडेंड पे कितना लगाऊं और ये जो अदर है इस पे कितना लगाऊं? चलो जल्दी जल्दी बोलो। एक सौ ग्यारह ए 112A डिविडेंड इनकम पे कितना लगाऊं और अदर पे कितना लगाऊं? एक बार में समझ गया यार तुम्हें, कमाल हो गया, कमाल हो गया साहब, कमाल हो गया। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। आंसर भी देख लीजिए, 15% इन केस ऑफ डिविडेंड शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, 37% इन केस ऑफ अदर इनकम। बस यहीं पे रुक जाएं, यहीं पे रुक जाएं। यहां तक का सबको क्लियर? एवरीबॉडी माइंड पूरा क्लियर? क्यों ऐसा हुआ, क्या हुआ? 2014 से 2016 की हिस्ट्री पूरी समझ में आई? क्यों ऐसा किया, काई के लिए ऐसा किया और आज रेट ऐसे क्यों है? तो बस मजा आएगा आपको। आप देख रहे हो आपके नोट्स कितने अमेंडेड और कितने स्पेसिफिक बनाए गए हैं एग्जाम्पल सहित, क्योंकि मुझे पता था बच्चे को यहां पे एग्जाम्पल लगेगा। एग्जाम्पल सहित आपके लिए चीजें बना करके रखी है। डन सर, चलो लास्ट वाला पॉइंट बाकी है जिसको मैं बाकी ही रखूंगा, ध्यान से सुनना। अब तक आपको यह समझ में आ गया दैट एनहांस सरचार्ज इज नॉट एप्लीकेबल टू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A एंड डिविडेंड इनकम, इन पे एनहांस सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है पर सरचार्ज एप्लीकेबल है। यहां तक का सारा पॉइंट क्लियर? ठीक है, अब मैं आपसे कुछ स्पेसिफिक बात पूछना चाहता हूं, ठीक है? जरा ध्यान से सुनना, समझना, कमेंट वमेंट सब रोक दो और 100% कंसेप्ट की ओर फोकस करो। लेट से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 112A, ये आया सपोज 90 लैक्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर 111A सपोज ये आया 90 लैक, और मेरी अदर इनकम ये आई 50 लाख। कैन यू प्लीज टेल मी द सरचार्ज रेट? ये एक भारत सरकार के सामने इशू आया जब इस कंसेप्ट को लेकर के आए ना, एनहांस सरचार्ज वाले या सरचार्ज वाले कंसेप्ट को जब लेकर के आए तो भारत सरकार के सामने एक और इशू ये आया। बहुत स्पेसिफिक बच्चों को ही ये कंसेप्ट समझ में आएगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, इस कंसेप्ट में प्रॉब्लम क्या है, बहुत स्पेसिफिक लोगों को ही समझ आएगा।
और जिन्हें नहीं समझ में आया उनके लिए इस एग्जाम्पल को मैं ऐसा कर देता हूं। जिन्हें नहीं समझ आया उन लोगों के लिए इस एग्जाम्पल को ऐसा कर देता हूं, शायद अब उन्हें क्लिक हो जाए कि ये क्या एग्जाम्पल पूछा मैंने। सवाल यह था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 है और अदर इनकम 50 लाख, 52 लाख कर लो। चलो अगर किसी को बहुत स्पेसिफिक होगा 52 लाख कर लो। अब मुझे बताएं सरचार्ज रेट क्या रखें। कुछ बच्चे कह रहे हैं 15%, कुछ कह रहे हैं 10, कुछ कह रहे हैं 10 और 0। अच्छा 15% में अक्रॉस में मार दूं ऐसा? पंद्रह परसेंट। अब समझो प्रॉब्लम कहां है। प्रॉब्लम यह है कि यहां पे अदर इनकम स्पेसिफिकली 2 करोड़ के ऊपर नहीं जा रही, लेकिन अगर आप देखोगे टोटल इनकम 2 करोड़ के ऊपर है, यानी स्पेशल प्लस नॉर्मल मिला के 2 करोड़ के ऊपर है। अदर इनकम इंडिपेंडेंटली 2 करोड़ के ऊपर नहीं है एज इन दिस केस। इस केस में आपका आंसर बड़ा क्लियर रहेगा। इसके ऊपर सर 15% लगा दो, इसके ऊपर सर 25% लगा दो, बराबर है? यहां आपका पॉइंट बड़ा क्लियर रहेगा। लेकिन इस सिचुएशन में अदर इनकम मिला के 2 करोड़ के ऊपर जा रहा है। अब असेसी को अगर बोला जाए कि तुम अदर सी 2 करोड़ के ऊपर तो जा रहा है, तुम यहां 15 पे करो, यहां 25 पे करो, अब असेसी क्या बोलेगा पता है? असेसी बोलेगा सरकार ये तो आप मेरे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी कर रहे हैं, मेरी अदर इनकम 2 करोड़ के ऊपर नहीं है इंडिपेंडेंटली। सरकार असेसी सरकार क्या कर रहे हो, मेरी ये तीनों इनकम मिला के 2 करोड़ के ऊपर जा रही, मेरी अदर इनकम 2 करोड़ के ऊपर नहीं है, 25% सरचार्ज, कैसी बातें कर रहे हो? सर आई एम अ टैक्स मैन, मैं टैक्स देने की इच्छा रखता हूं, पर आपकी ऐसी पॉलिसी तो मुझे डिमोटिवेट कर देगी। नहीं 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 आप समझ नहीं रहे, हमारा कानून बड़ा क्लियर है। जहां आपका टोटल इनकम 2 करोड़ रुपए के ऊपर गया वो स्पेसिफिक इनकम के ऊपर एनहांस सरचार्ज नहीं लगेगा, पर अदर इनकम के ऊपर एनहांस सरचार्ज लगेगा। सर आप समझ नहीं रहे, मैं तो उल्टा उन लोगों में से हूं जो झगड़ के टैक्स देता हूं भाई। सर हां मैं आपको बताता हूं, एक दिन मैं शॉप के ऊपर गया, प्रोडक्ट पे एमआरपी लिखा था 500, दुकान वाला बोल रहा था 560 रुपए। मैंने कहा कि तुम क्यों 560 ले रहे हो, एमआरपी तो 500 ही है। उसने कहा भाई साहब इस पे 500 के ऊपर टैक्सेस लगे हैं। मैंने कहा ठीक है फिर ओके। देखिए मैं तो झगड़ के टैक्स देने वालों में से लो आदमी हूं, ये प्रोविजन तो मुझे डिमोटिवेट कर देगी साहब। मेरी स्पेशल इनकम मिला के, स्पेशल इनकम जो हर बार अराइज नहीं होती, स्पेशल इनकम जो हर बार अराइज नहीं होती, वो मिला के 2 करोड़ के ऊपर जा रहा है साहब। कुछ तो मेरे भी घर बार भी बच्चे हैं, समझ में आया आपको पॉइंट क्या है? जहां आपकी अदर इनकम बाय डिफॉल्ट में 2 करोड़ के ऊपर है तब आप इस चीज के लिए लड़ोगे भी नहीं, पर अगर आपकी स्पेशल और नॉर्मल मिला के 2 करोड़ के ऊपर जा रही है तब तो झगड़ना बनता है। क्यों झगड़ना बनता है? क्योंकि ये वो इनकम है जो आपकी हर बार अराइज नहीं होने वाली, ये वो इनकम है जो आपकी हर बार अराइज नहीं होने वाली। इसीलिए भारत सरकार ने एक और प्रोविजन निकाली थी इसी के साथ 2019 में ही, कह दिया कि कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर तुम्हारी नॉर्मल प्लस स्पेशल, नॉर्मल प्लस स्पेशल मिला के 2 करोड़ के ऊपर जा रही है, नॉर्मल प्लस स्पेशल मिला के 2 करोड़ के ऊपर जा रही है, तो हम इस पे भी 25% न लेके इस पे भी 15% ले लेंगे। इस पे भी कितना ले लेंगे? 15%। ज्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं है, वापस से ध्यान से सुनिए,
असेसी यहां नहीं झगड़ेगा, क्यों? क्योंकि अदर इनकम उसकी बाय डिफॉल्ट में 2 करोड़ रुपए है, तो बोलेगा स्पेशल इनकम रहती नहीं रहती मुझे क्या फर्क पड़ता, मुझे तो सरचार्ज वैसे भी 25 आना था। यहां असेसी झगड़ेगा, क्यों झगड़ेगा? वो बोलेगा ये स्पेशल इनकम मुझे हर बार तो नहीं आने वाली, मेरी अदर इनकम 2 करोड़ के ऊपर जाती नहीं, आप मेरे ऊपर देखिए मेरी अभी इनकम लायबल कितने पे है, अगर मेरे को स्पेशल इनकम ना होती तो मेरे लिए अदर इनकम कितनी होती, मैक्स मैक्स 10% सरचार्ज लगता मेरे ऊपर, जस्ट बिकॉज आई हैव स्पेशल इनकम आप मुझे 25% पे पहुंचा दोगे, ये तो सही नहीं है ना, ये तो सही नहीं है ना। इसलिए सरकार ने बोला अगर आपकी अदर इनकम प्लस स्पेशल इनकम मिला के एक्सीड कर रही है कितने से, 2 करोड़ से, तो आपकी ओवरऑल इनकम पे हम 15% ही लेंगे। वापस से आइए पेज नंबर 13 पे, 6 पॉइंट बाकी रह गया था वो पढ़िए। टोटल इनकम इंक्लूडिंग 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 111 है, 112 है डिविडेंड, डिविडेंड तो खैर आपने इंक्लूड ही कर लिया है। टोटल इनकम इंक्लूडिंग दिस इनकम एक्सीड 2 करोड़ बट इज नॉट कवर्ड बाय सिचुएशन 4 एंड 5 जहां पे आपकी अदर इनकम ही 2 करोड़ के ऊपर जा रही है, तो सरचार्ज रेट दोनों भी केस में 15% ही रख दिया जाएगा, सरचार्ज रेट दोनों भी केस में 15% ही रख दिया जाएगा। इसी बात का एग्जाम्पल आपको नीचे भी देखने को मिलेगा, इस एग्जाम्पल को समझिए, लास्ट एग्जाम्पल को पेज नंबर 1.14 पे, 1.14 पे लास्ट एग्जाम्पल है, इसको समझिए। डिविडेंड इनकम 55, शॉर्ट टर्म 60, लॉन्ग टर्म 55, ये जो स्पेशल इनकम है ये हुई 1.70 करोड़ और आपकी अदर इनकम हुई 1.10 करोड़, टोटल 2.80 करोड़। अब जरा सोचिए क्या मेरी अदर इनकम इंडिविजुअली 2 करोड़ के ऊपर है, नहीं, अदर इनकम इंडिविजुअली 2 करोड़ के ऊपर है, नहीं, अदर इनकम इंडिविजुअली 2 करोड़ के ऊपर है, नहीं। तो ऐसे केस में क्या मैं कह सकता हूं पूरी इनकम के ऊपर 15% लगा देना चाहिए, क्या मैं कह सकता हूं पूरी इनकम पे 15% लगा देना चाहिए? यस, द सरचार्ज वुड बी 15% ऑन द टोटल इनकम ऑफ 2.80 करोड़। इज दैट डन? पूरा सरचार्ज एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, आर यू रेडी? पूरा सरचार्ज लिखना कुछ नहीं, अभी तक मैंने आपको कुछ भी लिखने को नहीं कहा, पूरा सरचार्ज एक और बार रिवाइज करेंगे, पूरा सरचार्ज एक और बार रिवाइज करेंगे, आर यू रेडी? चलिए हिस्ट्री विस्ट्री गए अब सब तेल लगाने। इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर 111A एंड इन केस ऑफ डिविडेंड इनकम, एंड इन केस ऑफ डिविडेंड इनकम अगर मेरी टोटल इनकम इतनी है तो मेरी सरचार्ज रेट कितना होगा? एवरीबॉडी लिखना कुछ नहीं है आपको, सिर्फ बताना है मेरा टोटल इनकम लेट से 48 लाख रुपीज, सचाज का रेट कमेंट कीजिए फटाफट, सचाज का रेट कमेंट कीजिए फटाफट। 52 लाख, 1.50 करोड़, 2.80 करोड़, 7.20 करोड़, निल। 52 लाख, 10%, 15%, 15%, 15%। आई होप देर इज नो क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस। ऐसा क्यों, कब, कैसे, कौन से सालों में हुआ आपको समझ में आया होगा। डन मालिक? वेरी गुड बेटा।
अब अदर इनकम अदर देन हाँ जी टोटल इनकम सरचार्ज 42 लाख नील 52 लाख 10% 1.30 करोड़ 15% 4 करोड़ 25% 7 करोड़ 37% इसमें कोई डाउट प्लीज बताएं। ये हुई ना बात, अब गया कंसेप्ट आपके अंदर। नहीं ऐसे कैसे, पहले तो कुछ लिखना पड़ेगा, पहले तो कुछ लिखना पड़ेगा ना। तो आइए अब दीजिए रजिस्टर में नोट नंबर 6। लेकिन इस बार जब आप नोट लिखेंगे कंसेप्ट आपके पूरे दिमाग में होगा। फॉर इंडिविजुअल HUF AOP BOI AJP सरचार्ज रेट हंड्रेड एंड इलेवन ए 112A डिविडेंड अदर इनकम इनकम इंक्लूडिंग अप टू 50 लैक्स निल निल कोई डाउट कोई डाउट। दूसरा इनकम इंक्लूडिंग चलिए फिल इन द ब्लैंक्स पहले आप करें फिर मैं करूंगा। इनकम इंक्लूडिंग 111A 112A डिविडेंड बियॉन्ड 50 लाख अप टू 1 करोड़ फिल करो खुद से फिल करो। खुद से जल्दी जल्दी फिल करो। क्या मैं कह दूं 10 10 कोई शक 10 10 तीसरा इनकम इंक्लूडिंग 111A 112A डिविडेंड बियॉन्ड 1 करोड़
अप टू 2 करोड़। चलो फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। क्विक फिल इन द ब्लैंक्स। यहां भी 15, यहां भी 15। फोर्थ इनकम एक्सक्लूडिंग 112 ए 111 डिविडेंड बियॉन्ड 2 करोड़ अप टू 5 करोड़। फिल इन द ब्लैंक्स। एक्सक्लूडिंग इन्हें छोड़ के बहुत शानदार, ये तो 15% पे कंटिन्यू हो जाएंगे। इन इनकम को छोड़ के अगर बची हुई इनकम 2 करोड़ के ऊपर है तो 25% चल जाएंगे। बहुत शानदार जा रहे हो बेटा। पांचवा इनकम एक्सक्लूडिंग 112 ए 111 ए डिविडेंड बियॉन्ड 5 करोड़, बियॉन्ड 5 करोड़। कैन आई से दिस इज करेक्ट? सिक्स्थ इनकम इंक्लूडिंग 112 ए 111 ए डिविडेंड इज बियॉन्ड 2 करोड़। फिफ्टीन एंड फिफ्टीन, अगर ये मिला के 2 करोड़ पे से ऊपर जा रहे होंगे तो 15 और 15। क्यों ना एग्जाम्पल हो जाए? अभी तक के तो हमने कंसेप्ट पढ़ा, प्रॉब्लम तो हमने सॉल्व ही नहीं किया। अभी तक तो हमने कंसेप्ट पढ़ा, प्रॉब्लम तो सॉल्व ही नहीं किया ना। एग्जाम्पल नंबर 6, मिस्टर कैलकुलेटर रेसिडेंट। मिस्टर कैलकुलेटर रेसिडेंट पीजीबीपी 42 लाख, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 ए 12 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 6 लाख, डिविडेंड 9 लाख। कंप्यूट द टैक्स। उम्मीद तो है तुम जल्दी से सॉल्व करके दिखाओगे, क्योंकि
चलो एक प्रॉब्लम साथ में सॉल्व करें, फिर इसके आगे का आप कर लेना, एक साथ में करते हैं। चलो सॉल्यूशन, हमारे देश में कुछ नॉर्मल और कुछ स्पेशल लोग आए हैं। सबसे पहले स्पेशल के लिए कर लें, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट तो एग्जॉस्ट वैसे ही दिखता है, स्पेशल में ये दो दिख रहे हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ₹12 लाख इंटू 15%, ₹1,80,000। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ₹1,20,000। टोटल ₹3 लाख, टोटल ₹3 लाख। जो बचा सब कहाँ जाएगा? नॉर्मल, 42 प्लस 9, 51 लाख इसमें से, अप टू 10 लाख तक का टैक्स हमें पता ही है, बैलेंस 41 लाख, इस पे टैक्स रेट 30%, ₹13 लाख, 42,500। एक बच्चा है मलय, वो कह रहा है 1 लाख रुपए माइनस होगा ना। बेटा कहाँ ध्यान है, 112 ए नहीं, हम 112 कर रहे हैं। बराबर, दोनों का टोटल टैक्स जोड़ दो, 16,42,500। दोनों का टोटल टैक्स आ गया 16,42,500। एक मिनट, अगर मैं मेरी टोटल इनकम देखूं, टोटल इनकम देखूं, 42 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 9, 69 लाख हो रहा है। बताइए सरचार्ज का रेट कौन सी इनकम पे कितना लगाऊं? सभी लोगों से सवाल, सरचार्ज का रेट कितना लगाऊं, कौन सी इनकम पे कितना लगाऊं? टोटल इनकम 50 लाख से ऊपर है, 1 करोड़ से नीचे है। जय राठी कह रहे हैं 15% लगा दो सर। जय बेटा, लेक्चर खत्म होने के बाद ये लेक्चर दोबारा एक बार देखना। क्या मैं कह सकता हूं दोनों पे एट द रेट ऑफ 10% लगेगा, क्योंकि इनकम 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है? तो चलो 16,42,500 का 10% ले लो, 16,42,500। टोटल कितना हो गया?
डन, अब भी कुछ बाकी है तेरे मेरे बीच में, एटीन लैख 79,020। आहो आहो, बड़ा सिंपल है साहब। एक प्रॉब्लम तो और बनता है यार ये तो, क्योंकि मैंने सॉल्व किया, तुमने तो सॉल्व ही नहीं किया ना, ये तो मैंने सॉल्व किया। एक प्रॉब्लम तो और बनता है, एग्जाम्पल नंबर 6.2, पीजीबीपी 89 लाख रुपीज, डिविडेंड इनकम 23 लाख रुपीज, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर 111A 20 लाख रुपीज, लॉटरी इनकम 10 लाख रुपीज। निकालो टैक्स। चलो एक जवाब तो आ गया है टेक ब्रो का। दो जवाब, मारी छोरियां छोरों से कम है के एक भी जवाब ना दे रहे हो। और कोई जवाब जी? ओहो,
4377360, 4377360, 1 4418310, आ गया ये भी। अरे भाई मारी छोरियां छोरों से कम है के, कैसे करण लाग रहे हो? 4511910। वन पॉइंट फोर टू करोड़ आपकी टोटल इनकम हो रही से। चलो अब मैक्सिमम आंसर ये आ रहा है 4945750। बहुत शानदार। चलिए देखते हैं, स्पेशल में तो ये दो ही दिख रहे हैं मेरे को, इसे ए इसे बी। पर्टिकुलर्स, रुपीस, टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर 111A, 20 लाख इंटू 15%, 3 लाख रुपीस, लॉटरी इनकम, टेन लाख इंटू 30%, 3 लाख रुपीस, इन टोटल 6 लाख रुपीस। नॉर्मल रुपीस टैक्स, आपकी टोटल नॉर्मल इनकम कितनी हुई? 89 प्लस 23, 1 करोड़ 12 लाख। इसमें से इनकम अप टू 10 लाख पे 1,12,500, बैलेंस 30% का, थर्टी लैख 60,000, टोटल 31,72,500। थर्टी 7,72,500 एड सरचार्ज एट द रेट ऑफ 15%। फाइव सिक्स फाइव एट सेवन फाइव, टोटल 90 कुछ बाकी है तेरे मेरे बीच में। फाइनल आंसर इज 45,11,910। जिन जिन लोगों को जम गया ना सर, फाइनल लेवल के बाद भी और प्रोफेशनल के बाद भी जो टैक्स कंप्यूट होता है वो ये। आपने अभी से मेरे साथ सीए फाइनल में जो अपन टैक्स पढ़ने वाले हैं, जो अपन इंटरनेशनल टैक्स पढ़ने वाले हैं, उसका आपने मेरे साथ अभी से काम कर लिया।
आपने मेरे साथ अभी से काम कर लिया, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बड़ा मजा आया होगा साहब। कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम, और उस प्रॉब्लम को कैसे इन्फ्यूज किया जाता है। अच्छा वैसे जो कमेंट में तुम लोग ये बना करके दे रहे हो, इसका मीनिंग क्या हुआ वो भी बताओगे? मजा आया, अच्छा लगा, बहुत शानदार बेटा, बहुत शानदार, यू आर डूइंग वेरी गुड। मुझे पूरी उम्मीद, मैं ईमानदारी से बताता हूं, मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि तुम सही में इतना अच्छा कैलकुलेट कर दोगे, बट यू ऑल आर डूइंग रियली रियली गुड। बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। लेकिन एक मिनट, ये तो मैंने सॉल्व किया, तुमने थोड़ी ना सॉल्व किया। ये देखो, तुम तब सॉल्व करते जब सबका जवाब एक ही आता। ये देखो, ये देखो, आईसीएआई का रिजल्ट परसेंटेज देखो, आईसीएआई का रिजल्ट परसेंटेज देखो, आईसीएसआई सीएमए का रिजल्ट परसेंटेज ये होता है। ये ऐसा करोगे ना बेटा, लोगों का भरोसा उड़ जाएगा अपने प्रोफेशन से। ऐसे हरकतें मत करो, लोगों का भरोसा उड़ जाएगा अपने प्रोफेशन से। हाँ चलिए साहब, एक होमवर्क दे रहा हूं, होमवर्क दे रहा हूं। होमवर्क लोगे या यहीं सॉल्व करोगे? चलो यहीं सॉल्व करो, छोड़ो कहाँ होमवर्क लेते हो, होमवर्क में कुछ और दे दूंगा। पीजीबीपी 3 करोड़, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A 50 लैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A 51 लाख, कंप्यूट द टैक्स। अब लगाओ दिमाग, चलिए साहब कुछ तो कर ही लिया होगा अब तक। करो अच्छे से सॉल्व करो, तोड़ो कैलकुलेटर को, कुछ भी करने का, प्रॉब्लम सॉल्व करने का। मैं क्या बोल रहा हूं, छोड़ो तुमसे ना हो पाएगा, मैं सॉल्व कर दूं। अरे छोड़ो तुमसे ना हो पाएगा, मैं सॉल्व कर देता हूं। नहीं क्या हो जाएगा, एक आध अटेम्प्ट और लग जाएगा। जल्दी, वो देखो वो एग्जामिनर तुम्हारा पेपर लेने आ रही है, जल्दी। अरे ना हो पाएगा तुमसे, ना हो पाएगा, क्या हो जाएगा, ये कोर्स छोड़ के कुछ और कर लोगे, कोई बात नहीं है ना सर। क्या आप हमें डिमोटिवेट कर रहे हैं? हाँ
क्योंकि तभी तुम्हें एक मोटिवेशन मिलेगा कि साला मैं करके दिखाएगा। एक जवाब 1,29,51,250। एक जवाब आ चुका है मेरे पास। वन थ्री नाइन सिक्स फाइव टू फाइव जीरो। कर लूँ सॉल्व? लो साहब, 1,204,671। इसको कहते हैं विविधता में एकता। सच में तुम लोगों का भरोसा उठा ही दोगे। 1,203,475। आहा, बहुत बढ़ चढ़ के बोली लग रही है। 1,357,317,070। बहुत बढ़िया बेटा, आईसीआई बड़ा खुश होगा साहब तुमसे, इंस्टीट्यूट बड़ा खुश होगा तुमसे। आओ जरा इधर देखते हैं, मेरी टोटल इनकम 2 करोड़ से 5 करोड़ के ब्रैकेट में है। यस, आओ सबसे पहले स्पेशल को स्पेशल अपीयरेंस दे दे। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 50 लाख इंटू 15%। सेवन लाख 50,000। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाला है, 51 लाख है। मैं 50 लाख पे ही लूंगा, आपको शक नहीं होना चाहिए इस पे। ट्वेल्व लैख 50,000 यहां पे आ रहा है। अब आते हैं नॉर्मल इनकम पे, 3 करोड़ अप टू 10 लैख। बैलेंस 2.90 करोड़। इस पे टैक्स रेट 2.90 करोड़। अब क्या करना चाहिए? अब क्या करना चाहिए बताइए साहब, अब क्या करें? आपको नहीं लगता इन पे सरचार्ज रेट कुछ और है और इन पे सरचार्ज रेट कुछ और है ना? क्या कर सकते हो, यही ऐड कर दो सरचार्ज एट द रेट ऑफ 15%। यही ऐड कर दो सरचार्ज एट द रेट ऑफ, बोलो जल्दी, यहां कितने का लगेगा? 2 से 5 करोड़ के बीच में 25% का सरचार्ज लग सकता है यहां पे। टोटल टैक्स विथ सरचार्ज
इसमें ऐड कर दीजिए HEC एट द रेट ऑफ 4%। वन टू नाइन फाइव 1250। वन करोड़ 29 लाख 95,120। सबको समझ में आया मालिक? एवरीबॉडी। ऐसे केसेस में सरचार्ज आप अलग से शो कर सकते हो, एक टेबल बना सकते हो। हम लोग आगे देखेंगे कि इसको टेबल बना के और अच्छे तरीके से कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यस, कोई बच्चा है जो इसे राउंड ऑफ करके कह रहा है, खुशी है जो राउंड ऑफ करके 050 करना चाह रही है? बेटा ऐसा नहीं है। एक बार सरचार्ज रेट लिखवा दीजिए। अनुजा आप कहाँ गई थी लेक्चर भर? सरचार्ज रेट लिखवाए बेटा, एकदम सही कहा। आंसर सही आने पे एकदम अलग तरीके का मजा आता है, लगता है आपुनिज भगवान है। चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, स्पेसिफिकली अब तक जिन्हें टैक्स में प्रॉब्लम आ रही है। आपको टैक्स में ईमानदारी से प्रॉब्लम नहीं आ सकती थी कैलकुलेशन करने में, अगर आपने ईमानदारी से बैठ के पूरे प्रॉब्लम्स को एक और बार सॉल्व किया होता। आपकी गलती कहाँ हो रही है पता है? आप बस क्लास खत्म होने के बाद उसको वापस से सॉल्व नहीं कर रहे हो। बिल्कुल गलत अप्रोच है ये। अप्रोच इंटर में नहीं चलेगा। इंटर का अप्रोच बड़ा क्लियर होता है, जो आपने दिन भर में पढ़ा उसको वापस से जाके आपको रिवाइज करना चाहिए, प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। अगर हमने यहां पे 3 प्रॉब्लम लिए हैं तो आपको पूरे 3 प्रॉब्लम वापस सॉल्व करने चाहिए रफ के अंदर में। एक बार आपने रफ में ये प्रॉब्लम वापस सॉल्व कर लिया, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली बूस्टअप हो जाएगा, आपको गलती का स्कोप ही नहीं बचेगा। इतनी सी भी गलती का स्कोप नहीं बचेगा, उतनी मेहनत तो आपको खुद से करनी पड़ेगी। मैं आपको मैक्स 15 ले लूंगा, 20 प्रॉब्लम ले लूंगा, लेकिन ये प्रॉब्लम पे आपको कमांड कब आएगी मेरे भाई? इस प्रॉब्लम पे तेरे को कमांड तब आएगी जब तू उसको खुद से होके सॉल्व करेगा। यहां पे सिर्फ कॉपी पेस्ट कर लेना ये तेरा ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता। यहां तू कॉपी पेस्ट कर ले कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तू सीख नहीं पाएगा। सीखना अगर तेरे को है ईमानदारी से घर पे, आज भी मैं कहता हूं सभी बच्चों को, आगे बढ़ने से पहले, आगे का वीडियो देखने से पहले ये पूरा कंप्लीट करो, यहां तक का पार्ट पूरा कंप्लीट करो। और तुमने जो ये कंप्लीट कर लिया तो इसके आगे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यस और नो? ओके। दूसरा एक गलती क्या होगी आपसे, जल्दी 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 करने के चक्कर में कैलकुलेशन मिस्टेक। ये मिस्टेक अवॉइड करें, ये कोई एक दिन का काम नहीं है, इसको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। प्रैक्टिस कब होगी? सेम क्वेश्चन को रफ में जाके फिर से सॉल्व कर लो। दिस इज द सिंपलेस्ट प्रैक्टिस यू कैन फॉलो, दिस इज द सिंपलेस्ट प्रैक्टिस यू कैन फॉलो। इज दैट डन? चलिए मालिक, प्लीज ब्रिंग मी अप योर क्वेरीज। आपकी क्वेरीज लेकर के आइए। जो भी आपकी क्वेरीज है फिर से लेकर के आइए फटाफट। उस केस में चेतन सरचार्ज अलग अलग लगेगा, वो कंसेप्ट सिर्फ 2 करोड़ के लिए है। न्यू ईयर पे कहाँ जा रहे हो? अच्छा सवाल है मालिक। मालिक न्यू ईयर पे मैं मेरे फैमिली के साथ हूं, कोई पार्टी नहीं कुछ नहीं, मेरे परिवार के साथ हूं, मेरे मॉम डैड के साथ हूं। आंसर के नीचे प्रोविजंस या रिलेटेड प्रोविजंस लिखना जरूरी है क्या? एज ऑफ नाउ टैक्स कैलकुलेशन के वक्त नहीं। सर डिविडेंड का एनहांस सरचार्ज हटाने से ज्यादा फायदा नहीं हुआ क्या इन्वेस्टर को?
हुआ तभी तो कर रहा है ना, इन्वेस्टर को फायदा हुआ तभी तो ये चीज हो रही है ना बेटा, उसके बगैर ये चीज होती कैसे। सारे क्वेश्चन जेठवा के बिल्कुल सही सॉल्व हुए, थैंक यू। एक बार अंशिका आप फिर से देखिए, कौन सा कैलकुलेशन बेटा, मले कौन से कैलकुलेशन की बात कर रहे हो। ओके उज्जवल, डीडीटी हटाने का लॉजिक क्या हुआ, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपको समझ में आएगा। इसके लिए आपको पूरी आधी घंटे की एक हिस्ट्री सुननी पड़ेगी। होमवर्क एज ऑफ नाउ कुछ नहीं है, एक ही होमवर्क है, जितने क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर वन से जो हमने लिए है वो घर पे एक और बार सॉल्व कर लो, यही होमवर्क है। थैंक यू सुदेश। चलिए देन, आई थिंक एवरी क्वेरी इज डन। कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिंदास आज तक का जितना पढ़ाया है विथ एग्जाम्पल एक बार पढ़ लेना, और उसके आगे ही आगे का लेक्चर देखना। यस और नो, डन। वरुण यू कैन गो टू vsmartacademy.com, वहां से आपको मिल जाएंगे पीडी। अगर आप परचेज करते हैं देव, तो ये जो नई रिकॉर्डिंग चल रही है ये मिलेगी आपको। हाँ बेटा, पर पूरा YouTube पे फ्री नहीं आएगा पंकज। रिटर्न की ड्यू डेट एक्सटेंड होगी क्या, चांसेस कम है पर मेरे हिसाब से हो भी सकती है। आज ही आई थिंक सुरेश प्रभु सर ने भी रिक्वेस्ट करी है। चलिए सर, थैंक यू सो मच, बाय बोलो बच्चों।